हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इनफ्लोरेसेंस के बारे में। इनफ्लोरेसेंस को सबसे पहले समझते हैं कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। इनफ्लोरेसेंस को हिंदी में बोला जाता है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम दैट मीन्स एक स्टेम है, फॉर एग्जांपल ये एक तना है, एक स्टेम है और इस पर फ्लावर किस तरह से मौजूद है, इस पर फ्लावर किस तरह से प्रेजेंट है, उसी को हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, मतलब फ्लोरल एक्सिस का मतलब वो एक्सिस या वो स्टेम, वो तना जिस पर क्या हो फ्लावर्स एक निश्चित क्रम में मौजूद होते हैं, उसी को हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। देन फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। अगर कोई आपसे पूछे फूल है क्या, फ्लावर है क्या, तो आपका जवाब हमेशा यही होगा कि जो फ्लावर है वो एक तरह का मॉडिफाइड शूट है। दैट मीन्स शूट मतलब होता है तना। एनसीईआरटी में इसको प्ररोह भी लिखा हुआ है। तो एक तना ही क्या करता है, अपने आप को रूपांतरित कर देता है और फ्लावर का रूप ले लेता है। दैट मीन्स फ्लावर क्या है, फ्लावर एक तरह का तना है और तना अपने मतलब जो स्टेम है या जो तना है उसने अपने आप को रूपांतरित किया है, मॉडिफाइड किया है और वो फ्लावर के शेप में आ गया है। ठीक, होता क्या है, किस तरह से बनता है, तो जो स्टेम होता है उसके एपिकल पोर्शन में मतलब सबसे ऊपर के साइड में प्रेजेंट होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसको बोलते हैं शीर्षस्थ विभाजोत्तक उत्तक। मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस क्लासेस में 9th-10th में कि जो टिश्यू होती है प्लांट्स में उसको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, पहला विभिजोत्तक उत्तक, दूसरा स्थायी उत्तक। अब जो विभिजोत्तक है अर्थात हमेशा विभाजित रहने वाली कोशिकाएं या उत्तक, उसको हम विभिजोत्तक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ये भी जो होती है तीन तरह की पाई जाती हैं। पहला होता है शूट मतलब एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है लैटरल मेरिस्टेम और तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये सारी बातें मैंने आपको क्लास 9th में बताया था, या आपको क्लास 9th में ये सारी चीज़ों को आप पढ़े होंगे। तो जो एपिकल मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका तना है, ये पेड़ का तना है, तो इस पेड़ के तने में जो सबसे इसके अग्र भाग में यहाँ पे टिप पोर्शन में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है जिसके वजह से वो तना लंबाई में वृद्धि करता है, उसी को हम बोलते हैं एपिकल। मतलब होता है शीर्षस्थ मतलब शीर्ष भाग में उपस्थित। तो शीर्ष भाग में उपस्थित जो मेरिस्टेमेटिक दैट मीन्स जो विभाजोत्तक उत्तक होता है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही रहेगा, लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक दैट मीन्स जो विभाजोत्तक उत्तक पहले तना बना रहा था वो अब फ्लावर बनाने लगेगा। तो कौन सी चीज़ किसमें कन्वर्ट हुई, यहाँ पे जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो जिससे क्या होता है एक तना फ्लावर के मतलब फ्लावर का फॉर्मेशन फिर वहाँ से होने लगता है। अब पूछा जाता है कि इनफ्लोरेसेंस कितने टाइप्स के होते हैं या उनको कितने कैटेगरी में बांट के उनकी स्टडी की जाती है। तो जो इनफ्लोरेसेंस होते हैं वो तीन तरह से उनकी हम स्टडी को करते हैं। पहला होता है सॉलिटरी इनफ्लोरेसेंस था, दूसरा होता है रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, तीसरा होता है साइमोस इनफ्लोरेसेंस। ये बोर्ड मतलब बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 11th क्लास से भी, तो आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सॉलिटरी इनफ्लोरेसेंस होता क्या है। सपोज करो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। सॉलिटरी हम सबसे पहले सॉलिटरी को समझते हैं। अगर एक हमारे पास स्टेम है, ठीक, और एक स्टेम के ऊपर केवल एक ही फ्लावर का अगर फॉर्मेशन हुआ है, मतलब एक स्टेम के ऊपर अगर एक ही फ्लावर, बड़ा सा फ्लावर अगर खिला हुआ है, तो उस टाइप के इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है कि तने के ऊपर फ्लावर की अरेंजमेंट किस तरह से है। तो अगर एक तने के ऊपर दैट मीन सिंगल स्टेम के ऊपर अगर एक ही फ्लावर आपको उपस्थित है तो उस टाइप के इनफ्लोरेसेंस को हम बोलेंगे सॉलिटरी।
सॉलिटरी इनफ्लोरिसेंस, ठीक है। दूसरा जो इनफ्लोरिसेंस होता है, दूसरा इनफ्लोरिसेंस होता है रेसिमोस टाइप का इनफ्लोरिसेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं असीमाक्षी, मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसमें पुष्प के पैदा होने की, पुष्पों के वृद्धि करने की कोई सीमा ना हो, उसको हम बोलेंगे असीमाक्षी, दैट मीन्स रेसिमोस इनफ्लोरिसेंस। इसमें जो फ्लावर होते हैं वो एक्रोपिटल सक्सेशन के क्रम में होते हैं। एक्रोपिटल सक्सेशन मतलब क्या होता है कि जो सबसे बड़े फ्लावर होते हैं, मान लो ये गोल वाला फ्लावर है, सबसे बड़े फ्लावर सबसे नीचे, फिर उससे ऊपर, उससे थोड़े से छोटे, फिर उससे ऊपर सबसे छोटे, फिर इससे ऊपर इससे छोटे। तो इस तरह से जो आपको फ्लावर का बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पे शो हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन, और इस इन्फ्लोरिसेंस को हम क्या बोलते हैं, रेसिमोस, रेसिमोस इन्फ्लोरिसेंस। इस इन्फ्लोरिसेंस को हम क्या बोलेंगे, रेसिमोस इन्फ्लोरिसेंस, ठीक। और इसमें फ्लावर किस क्रम में लगे हुए हैं, कोई आपसे पूछ ले, तो फ्लावर इसमें लगे हुए हैं एक्रोपिटल के क्रम में। एक्रोपिटल मतलब धीरे धीरे आपका जो फ्लावर है, मतलब नीचे के साइड में बड़े फ्लावर है, ऊपर के साइड में छोटे फ्लावर है। तीसरा जो आपका इन्फ्लोरिसेंस होता है वो है आपका साइमोस इन्फ्लोरिसेंस। साइमोस को हिंदी में क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ससीमाक्षी, मतलब जिसकी सीमा निर्धारित हो कि अब इससे ऊपर नए फ्लावर्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, ऊपर साइड में बड़ा सा फ्लावर बन जाता है जो कि उस शाखा को अब और वृद्धि, मतलब उस तने को और वृद्धि, यहाँ पे ये इंगित करती है कि अब यहाँ पे एक बड़ा सा फ्लावर है, तो ये तना इससे आगे वृद्धि, इससे आगे ग्रोथ नहीं करेगा, और इसके नीचे इससे थोड़े से बड़े, मतलब इससे थोड़े से छोटे, फिर इससे नीचे इससे छोटे, फिर इससे नीचे इससे छोटे, इस तरह से अगर फ्लावर के तने पे लगे होने का क्रम अगर ये है तो इसको हम बोलेंगे साइमोस इन्फ्लोरिसेंस, ठीक। तो यहाँ पे मैंने आपको इन्फ्लोरिसेंस बताया, क्यों बताया, चैप्टर के बिल्कुल बीचों बीच चैप्टर है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखो अभी तक मैंने वो चैप्टर्स आपके कंप्लीट किए, क्योंकि कोविड 19 है, तो कोविड 19 की वजह से आपके बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, और कुछ चैप्टर्स के कुछ कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो जो आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है उसमें केवल आपको दो चीज़ें पढ़नी है। पहली चीज़ आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको इनफ्लोरिसेंस के बारे में। दूसरी चीज़ जो आपको पढ़ना है कि आप में तीन फैमिली दी हुई हैं, पहला है फैमिली फेबेसी, दूसरा है सोलेनेसी, तीसरा है लिलिएसी। तो इन तीनों फैमिली के बारे में प्रैक्टिकल में तो ये तीनों ही फैमिली हैं, लेकिन दो फैमिली के बारे में चलेंगे, आपको तीनों फैमिली को लेकर चलेंगे, तो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली है, तो उन फैमिली का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन याद होना चाहिए जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको आज कुछ होमवर्क भी देना चाहती हूँ। वो होमवर्क ये है, इन्फ्लोरिसेंस तो आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन आपके बुक में जो ये जो आपका जो पूरा जो बना हुआ है, इस चीज़ को पूरा आप अपने कॉपी में लिखोगे, ठीक। इस चीज़ को पूरा आप अपने कॉपी में लिखोगे, पूरा नोट करोगे पूरा, ठीक है, पूरा इस चीज़ को आप अपने कॉपी में नोट करोगे, मतलब तीनों फैमिलीज के बारे में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई इसको नोट करोगे, उसको याद करने की कोशिश करोगे, बिकॉज ये कुछ रटंतु चीज़ है। ट्रिक बताने की मैं आपको कोशिश करूँगी इसमें, तो मैं ट्रिक बनाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक। तो आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आया।